अरे यहाँ पे लगता है बहुत ही बड़ा शिकारी मिलने वाला है। देखो ये भी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जंगल में जा रहा है, बहुत ही बड़ा जंगल है, तो फिर आगे में क्या होता है देखते हैं। तो हम लोग चावल वगैरह तो लाया है लेकिन सब्जी नहीं लाया है, तो शिकारी करके खाना पड़ेगा। तो एक सप्ताह जैसा बीत के आएगा हम लोग। और ये देखो मेरा भाई भी है मेरा साथ, आगे में क्या होता है देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आगे ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर आया है वो लोग प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे शिकार बहुत ही ज़्यादा है शायद, तो बहुत लोग यहाँ पर से देखो पेड़ का ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाया है, फिर इसका ऊपर जाके शिकार मारना पड़ता है। ये हमारा बहुत ही बड़ा जंगल है। अरे यहाँ में तो बहुत लोग आते रहता है, इसलिए देखो उसका नाम लिख के छोड़ा यहाँ पर, JD करके इसका नाम होता होगा। हमारा गांव की वासियों, जो ऐसा माना जाता है कि कितना भी खतरनाक जंगल क्यों ना हो, हर लड़का जंगल में जाना चाहिए अपना डर भगाने के लिए या फिर शिकारी के लिए। बहुत पुराना ज़माना में जब हेड हंटिंग हुआ करता था हमारे जगह में, तब समय भी ऐसे ही तो हुआ करता था। अभी वो सब तो चला गया, फिर भी ऐसे ही जंगल में जाना चाहिए। अभी तो बहुत ही ज़्यादा थक गया है, गांव से चलते हुए अभी 3 से 4 घंटा हो गया है। अभी लगभग इंडो म्यांमार का बॉर्डर का सामने में, एग्जैक्ट सामने में पहुंच गया है। तो मैं आपको बस्ती की तरफ से दिखाता हूँ, वहाँ से रिवाइज़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसी जगह पहुँच गया है, उस जगह जो मैंने वहाँ पर जो एरो लगा हुआ है, हम लोग इसी का अंदर में घुस गया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरे लिए तो ये गुड मॉर्निंग है। तो कल का वीडियो फिर कुछ प्राइवेसी का वजह से ले नहीं पाया है। ये देखिए कल रात को यहाँ पे भी कुछ बहुत ही ज़ोर से लग गया है। तो आगे दिखाता हूँ कल का जो है अलग जगह में होल गया था। अभी तो बहुत ही ऊंचा पहाड़ की तरफ में जा रहा है हम लोग, तो आगे दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहाड़ का ऊपर में तो पानी भी पूरी तरह से सूख गया है, देखिए एकदम। तो हम लोग जहाँ पे पानी पीने का मिलेगा या फिर खाने का और होल करने का सुविधा दुल के ही देखना पड़ेगा। आगे जाके देखते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये एकदम ख़तरनाक वाला कुछ फ्रूट है। देखो, अगर ये पेड़ वगैरह में चुप गया तो एकदम बहुत जहरीला होता है ये जो। अरे यहाँ पे ये बहुत ही पुराना झोपड़ी मिला है, तो यहीं पे रुकेगा हम लोग। बहुत लोग खोल के ऐसा है, यहाँ पे बहुत लोग रुका है। देखिए, ये हमारा पहाड़ का सबसे ऊंचा जगह है। यहीं से मैं कैमरा करके भी दिखाता हूँ आपको हमारा गांव की तरफ में। बहुत ही ज़्यादा बादल और मौसम इतना क्लियर नहीं है, इसका वजह से पूरा क्लियर दिखाई नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए, वहाँ पे पूरा बस्ती तरफ का व्यू ऐसा दिखाई मिलता है, जो मैं जहाँ पे पहाड़ का ऊपर में है वहाँ से। तो यहाँ पे कितना दिन बैठेगा पता नहीं, यहीं पर हॉल करना पड़ेगा। आग जलाइए। अभी तो पूरा थक गया है, बारिश होने वाला है तो इसलिए थोड़ा, ये तो एकदम पोचा मोचा हो गया, इसलिए थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये देखिए कल का निशान, इसलिए बोलता है जो कमज़ोर दिल वाला है वो लोग जंगल में नहीं घूमना चाहिए। अभी तो देखो पूरा झोपड़ी बन के तैयार हो गया है। ये देखो, फिर हम लोग यहाँ से चूहा फंसाने के लिए रेड ट्रैप्स बनाएंगे, और ये है उसका दाना। वाह, बहुत ही बड़ा पेड़ था ये तो, बहुत ही उम्र होने के वजह से ये सूख गया है। और देखिए यहाँ पे भी कोई बहुत ही पहले में सूख के निकल गया है। ऐसे ही जंगल में हर कोई आते रहता है हमारा गांव से। देखिए
अभी यहाँ पे मैं चूहा कैसा फंसाएगा उसका जो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ऐसा करके ऐसा रखेगा तो दाना जो है यहाँ पे लगाएगा, तो जब यहाँ से चूहा ऐसा ऐसा आएगा और जब दाना खाने के लिए यहाँ पे करेगा तो इसमें ऐसा करके ऐसा गिर जाएगा। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। गाइस अभी पूरा शाम हो चुका है, मतलब रात हो चुका है, तो पूरा जंगल से आके अभी सब्जी और खाना बना रहा है। ये खाना भी अभी नहीं लगाया है इसको, तो आज रात को यहीं पर सोना पड़ेगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया वाला बेड है और स्टप में भी देखो। और ये रहा हिमेन 9000 में हम लोग पानी गर्म करके पीता है, बियर का कैन है, इसमें हम लोग पानी गर्म करके पिएगा। हाहा अभी तो देखिए एकदम पता से ढक्कन ढक दिया है।